बात करेंगे, जो कि जिसको हम अप डाउन काउंटर भी बोल सकते हैं। सी एक्स प्रोग्रामर के अंदर ये हमारा रिवर्सिबल काउंटर कहलाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल है, आप एक इनपुट ले लीजिए, या पहले मैं आपको इसका ब्लॉक ही ले लेता हूँ। यहाँ पर जाइए और इंस्ट्रक्शन में लिखे CNTR, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपका इसमें क्या क्या है। एक तो आपका जो पैरामीटर्स है इसके अंदर ये है, एक तो काउंटर नंबर है, एक सेट वैल्यू है, और तीन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इंडिकेशंस यहाँ पर, जिसमें हमको कोई भी इनपुट यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यह इनपुट पल्स हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये तीनों क्या है, तो पहले समझ लीजिए कि पहला वाला जो है हमारा ये इंक्रीमेंटिंग इनपुट के लिए, क्योंकि हमारा ये जो काउंटर है अप डाउन काउंटर दोनों है, हम इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला ये वाला जो मेरा है आपका, वो इंक्रीमेंटिंग इनपुट के लिए है, ठीक है, इंक्रीमेंटिंग पल्स के लिए है। दूसरा इनपुट जो है हमारा डिक्रीमेंटिंग के लिए है, डाउन करने के लिए है। और तीसरा जो है हमारा है वो रीसेट के लिए, यानी काउंटर की कोई भी वैल्यू कभी भी हो, अगर हम उसको उसकी इनिशियल पोजीशन में पहुंचाना चाहें तो रीसेट के लिए मेरा ये वाला है, ठीक है। पहला हम ले लेते हैं कोई भी इनपुट जिससे हम इंक्रीमेंट कराएंगे, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कमेंट में लिख भी देते हैं इंक्रीमेंटिंग, यहाँ से आप कॉपी करिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर इसका एड्रेस चेंज कर दीजिए, 3.00 या कुछ भी कर दीजिए, और कमेंट में इंक्रीमेंटिंग डाल दीजिए। आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर कुछ और इनपुट ले लीजिए, और कमेंट में रीसेट डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आपको काउंटर नंबर भी मेंशन करना है। काउंटर नंबर कुछ भी ले लीजिए, मैंने यहाँ 6 ले लिया है, और क्योंकि हमारा BCD काउंटर है तो हम अपना प्रीफिक्स हैश के साथ जो भी हमको वैल्यू लेनी होगी 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, देखिए आपका रेड इंडिकेशन भी अभी चला गया है, और यहाँ पर आप कुछ भी आउटपुट ऑन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काउंटर नंबर 6 है, तो C6 ले लीजिए, और इससे एक आउटपुट आप ऑन करा लीजिए। ठीक है, हम इसको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डिक्रीमेंटिंग, ये सॉरी अप डाउन काउंटर जो होता है, उसकी प्रोसेस वैल्यू जो हमारी ये शो हो रही है वो इनिशियल में 0 होती है, ठीक है। क्या होती है, वो इनिशियल में 0 होती है, और हमारा कम्प्लीशन फ्लैग बिट जो है इसका, ये C6, ये कब हाई होगा हमारा, जब मेरा ये सेट वैल्यू से मेरा एक्सीड करेगा, यानी इक्वल नहीं होगा बाकी काउंटर में। जैसे हमारा पहुंच रहा था ये आपका, जैसे आपका इस सेट वैल्यू के इक्वल पहुंच रहा था, तो मेरा कम्प्लीशन फ्लैग बिट हाई हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा है कि जैसे कि आपका आपका प्रोसेस वैल्यू 3 आया, अभी आपकी सेट वैल्यू 3 आई प्रोसेस वैल्यू, तो अभी आपका कम्प्लीशन फ्लैग बिट हाई नहीं होगा। कब हाई होगा, जैसे 3 है उसके बाद एक पल्स और आपने उसे एक्सीड किया तो आपका हाई होगा। और डाउन काउंटर में क्या होता है कि जब नॉर्मली जब 0 पे आता है तो आपका कम्प्लीशन फ्लैग बिट हाई होता है ना।
मतलब ऊपर से नीचे डाउन डिक्रीमेंट करके काउंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करते करते आता ज़ीरो पे, तो आपका हाई होता है। यहाँ पर क्या है, ज़ीरो पर आएगा तो हाई नहीं होगा, ज़ीरो से एक नीचे चला जाएगा तो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखते हैं कि अभी हम जो है अपना डिक्रीमेंटिंग करते हैं, इंक्रीमेंटिंग वाला करते हैं। हमारा अभी इनिशियल वैल्यू जो है प्रोसेस, वो इनिशियल प्रोसेस वैल्यू जो है हमारा वो ज़ीरो है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इंक्रीमेंट कराऊँगा एक पल्स देके। देखिए एक पल्स दिया मैंने, वन हुआ, फिर दूसरा पल्स देता हूँ, टू हुआ। ठीक है, फिर देखिए अब मैंने थ्री दिया। अभी देखिए हमारी प्रोसेस वैल्यू और सेट वैल्यू इक्वल आ गई थ्री की। ये हमारा अप डाउन काउंटर है। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि जब ये प्रोसेस वैल्यू जब हमारा सेट वैल्यू से एक्सीड करे, यानी इसके एक बाद जाए, तब हमारा ये हाई होगा। तो अब मैं इसके बाद अब जो एक पल्स दूंगा, ठीक है, तब हाई हुआ। और इस अपनी थ्री के बाद ये फोर नहीं होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट तो यही है, तो थ्री के बाद ये ज़ीरो से शुरू कर देता है दोबारा। लेकिन यानी कि थ्री थ्री पल्स दिया आपने और थ्री से एक जैसे आप आगे बढ़े चौथा पल्स देने गए, तो प्रोसेस वैल्यू तो इसकी इनिशियल ज़ीरो पे आगे शो करेगी। ठीक है, रिसेट करने में दोबारा आपका ये कि आपका ये कंडीशनल ब्लैक ब्लैक बिट लो हो गया है। मैं इसको दोबारा ठीक है ये कर लेता हूँ, आप रीसेट हटा दें क्योंकि रीसेट अगर रहेगा तब आप ये जब आप काम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, देख लीजिए ये जैसे भी रीसेट में रहा ही है। अब यहाँ पर आप फोर्स ऑन करेंगे तो नहीं, आगे वैल्यूज़ नहीं बढ़ेंगी क्योंकि आपका रीसेट है। ठीक है, तो ये रीसेट कर जाएगा ये वाला फंक्शन, ये वाला रंग। तो पहले आपको रीसेट को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिक्रीमेंट की बात करूँ, डिक्रीमेंटिंग में क्या होता है कि हमारा कंप्लीशन फ्लैग बिट कब हाई होगा, जब हम ज़ीरो है अभी हमारा प्रोसेस वैल्यू, इससे एक हम नीचे। तो डिक्रीमेंट का क्या मतलब होगा, नीचे जाना, तो अभी ज़ीरो से हम एक नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने का क्या मतलब, ये नहीं कि अब ज़ीरो से नीचे जाएंगे तो माइनस वन, ऐसे नहीं शो करेगा, तो ये थ्री पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर अगर मैं इसको ऑन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये शो हुआ थ्री क्योंकि ये ज़ीरो से अगर इधर जाएंगे नीचे तो इस एक कम जाएंगे तो ये थ्री पाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका ज़ीरो से जैसे आपने एक पल्स डाउन करने की कोशिश की तो आपका ऑफ कम्युनिकेशन फ्लैग बिठाई हुआ। ठीक है, तो अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ एक बार और। ठीक है, और ठीक है, एक पल्स गए, यहाँ अपना ऑफ किया, दूसरा पल्स गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपको अब यहाँ पर यहाँ से डिक्रीमेंट कराना है, तो यहाँ से आप डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं आप तुरंत। ठीक है, अब टू से वन पाएगा क्योंकि वो कम करेगा ना। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर वन से ज़ीरो पाया तो नहीं हुआ, अभी अभी नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल डाउन काउंटर में क्या होता था कि हो जाता था ना, पिछले हम लोगों ने देखा था जो हमारा काउंटर था जो डाउन काउंटर है उसमें देखा था जैसे हमारा ज़ीरो वैल्यू आ रही थी ये कंप्लीशन फ्लैग बिट हाई हो रहा था। इसमें क्या हुआ कि हमारा जैसे अभी टू पे था, टू से हमने डिक्रीमेंट दो पल्स दिए तो ज़ीरो पाया तो हाँ आई नहीं हुआ, ज़ीरो से एक कम करेंगे एक बार और एक पल्स देंगे एक और कम होने के लिए, तब हमारा जो है वो हाई होगा। ये अब हाई हुआ। ठीक है, तो ये हमारा अप डाउन काउंटर है। ठीक है, तो जिसको हम रिवर्सिबल काउंटर बोल रहे हैं सी एक्स प्रोग्रामर के अंदर। तो आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे काउंटर्स को लेके कैसे करते हैं।